हेलो फ्रेंड, मैं जी आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल ओपन फॉर प्रॉफिट में। और फटाफट थोड़ा सा मार्केट का जायज़ा लेते हैं और बीटीसी का हालचाल जानने की कोशिश करते हैं कि मार्केट में किस हिसाब से रुख बन रहा है। बीटीसी एक डिप दिखा के, सडन डिप दिखा के वापस इसको अच्छा खासा बाउंस बैक मिला है। क्या ये डिप बनाया गया था फॉर द व्हेल्स टू एक्युमुलेट मोर बिटकॉइन? ठीक है, तो मार्केट के अंदर बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं और कह सकते हैं कि आपके हमारे लिए जो चीज़ें हैं बहुत अनसुलझे तरीके से आ रही है सामने। ओके, क्या करना चाहिए? ठीक है, हर रोज़ जो एक नई कहानी आ रही है बिटकॉइन के अंदर। और अभी चार्ट्स के अंदर कुछ और चीज़ें बताता हूँ। देखिए, मामला तो वैसे बुलिश लग ही रहा है, ओके, और बट एक दो चीज़ें हैं जो उसमें खटक रही हैं, वो मैं आपको सीधा चार्ट से बताता हूँ। ठीक है, और लेवल्स जो बता रहा हूँ उस हिसाब से ट्रेड करना। ठीक है, कभी भी एक ही दिशा में सीधा सीधा मत चलना। ठीक है, देखो रास्ता सही है तब आगे जाओ, प्रॉफिट कमाओ। ठीक है, अगर रास्ता में बहुत सारे खड्डे हैं तो समझदारी इसी में रहती है कि इंतज़ार करो, या तो चार कदम पीछे ले लो, अच्छे रास्ते आ रहे हैं, फिर वहाँ से एक शॉर्ट की एंट्री लो। ठीक है, जो जो उसमें एंट्री बिल्कुल मत लेना, पूरी जेब खाली हो जाएगी। ठीक है, तो ट्रेडिंग को ट्रेडिंग की तरह ही समझ के करो, आँख बंद करके गैम्बलिंग की तरह मत करो कि भैया कुछ भी हो जाए हम तो बस खेलते रहेंगे, चलते रहेंगे आगे। ठीक है, ऐसा मत करना। ओके, तो सीधा चार्ट्स के ऊपर लेके चलता हूँ और चीज़ों को थोड़ी सी समझाने की कोशिश करता हूँ। और एक और ऑल्ट कॉइन है, वो भी मुझे काफ़ी बढ़िया लग रहा है। ऑफ कोर्स यहाँ पे एक ही चीज़ मायने रखती है, वो है होल्डिंग पावर, पेशेंस। ये अगर आपके पास है तो लिख के रख लीजिए, आपको क्रिप्टो के अंदर अच्छा खासा मुनाफा ज़रूर मिलेगा। सीधा चार्ट्स पे लेके चलता हूँ। और चार्ट्स पे जाने से पहले भैया वीडियो को थोड़ा बहुत लाइक कर दिया करो, ओके, क्योंकि इस कह सकते हैं कि बेयर मार्केट या बहुत ही साइडवेज मार्केट के अंदर आपको एनालिसिस देना विथ लॉजिक देना, इट्स वेरी डिफ़िकल्ट। कोशिश करता हूँ कि टाइम टू टाइम आके, वेदर आई एम ट्रैवलिंग, कोशिश करता हूँ देने की। ओके, यहाँ पे हम हमारे चैनल के अंदर, हमारी एनालिसिस के अंदर कोई भी हम टाइम पास बिल्कुल नहीं करते हैं, ना करना चाहेंगे, बिकॉज आपका भी टाइम बहुत कीमती है, मेरा टाइम भी बहुत कीमती है। ठीक है, तो वीडियो को प्लीज़ लाइक ज़रूर ठोक दो, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर इसको शेयर कीजिए और हमारे इंस्टाग्राम, फेसबुक, टेलीग्राम, ट्विटर वगैरह पे फॉलो ज़रूर करना। ठीक है, सीधा चार्ट्स पे चलते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे क्रिप्टो के मैदान को देखते हैं। बीटीसी की प्राइस 29,339 के आसपास चल रही है, इथेरियम 1900 के आसपास चल रहा है, बीएन भी थोड़ी सी मजबूती दिखा रहा है। ठीक है, मार्केट में उथल पुथल हो रही है लेकिन बीएन भी 335-340 के आसपास चल रहा है। XRP मतलब मार्केट में वापस से थोड़ा बहुत हल्का फुल्का हरा भरा दिख रहा है, बट स्टिल मैं अभी आपको कहूँगा कि ऑल्ट कॉइन्स के अंदर इतनी ज़्यादा जल्दी मत करना, क्योंकि BTC की जो डोमिनेंस है वो थोड़ी सी बढ़ चुकी थी। अभी BTC डोमिनेंस कहाँ है वो भी पहले गौर कर लेते हैं, उसके बाद से BTC का एनालिसिस करते हैं। ओके, तो हम इस चार्ट पे आते हैं और राइट नाउ मेरे सामने अगर लेफ्ट साइड पे देखते हैं BTC का ये जो चार्ट है, मैंने एक शॉर्ट टाइम फ्रेम पकड़ा 10 मिनट्स का और यहाँ पे जो है एक यहाँ से मुझे ब्रेकआउट दिख रहा है और प्राइस जो था अभी गया था 29,454 के आसपास। तो चीज़ें यहाँ से थोड़ी सी मुझे सही लग रही हैं एंड आई एम एक्सपेक्टिंग BTC की जो प्राइस है यहाँ से बढ़ेगी, एटलीस्ट 30,000 के बीच में यहाँ पे गोते खाएगा। स्कैल्पिंग के लिए अच्छा खासा मौका है, आपको मुनाफा मिल सकता है। लोअर लाइन से भी ये यहाँ पे सपोर्ट ले रहा है, हम आगे इसको वापस से चेक करेंगे बट आपको जस्ट एक दिखा रहा हूँ, ये नीचे लोअर लाइन से यहाँ से सपोर्ट बनाते हुए जा रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे आ जाते हैं, मैं इसको यहाँ से बड़ा करता हूँ। ऊपर का जो हिस्सा है वो डोमिनेंस का है, नीचे का जो हिस्सा है इथेरियम और BTC का पेयर है। जब तक इसमें हरियाली नहीं आएगी, हरियाली आके रुकती नहीं है तब तक ऑल्ट कॉइन्स के अंदर मेरे हिसाब से थोड़ी सी एंट्री रुक के लेना। हाँ, कुछ ऑल्ट कॉइन्स है जिनके अंदर एंट्री बनती है, लेना चाहिए, क्योंकि वो जो ऑल्ट कॉइन्स है वो मौके का माहौल नहीं देखेंगे, वो हाइप देखेंगे, फोमो देखेंगे, उनकी न्यूज़ है, उनकी अपडेट्स है, अच्छा खासा मार्केट में अपनी चाल दिखा के तड़का लगा सकते हैं। तो यहाँ पे डोमिनेंस की बात करते हैं। देखिए, यहाँ पे डोमिनेंस था, हिट होता है नीचे आता है, वापस से आ रहा है और इस हिस्से को अगर मैं बड़ा करता हूँ यहाँ पे और ये देखो आप, ठीक है, ये डोमिनेंस की ग्रीन कैंडल यहाँ पे बनी थी और उसके बाद से हल्की सी एक रेड कैंडल बनी है। ठीक है, तो ये जो डोमिनेंस है ये अभी भी बरकरार है, हो सकता है थोड़ा सा BTC की प्राइस को और खींच के लेके जाए ऊपर तक, 48-49 के आसपास अगर जाता है डेट मीन्स BTC 30-31,000 के आसपास खींच लेगा, तो ये यहाँ तक हो सकता है। अदरवाइज़ अगर ये रेड वाली जो कैंडल है जो बहुत छोटी सी, अगर ये बड़ी हो रही है, इस पर थोड़ा सा गौर फरमाना जब भी ट्रेडिंग करते हो, अगर ये थोड़ा सा बड़ा होता है और इस लेवल के नीचे आता, यानी कि
48.5 से अगर ये नीचे की तरफ आता है, ठीक है, डेट मीन्स कि थोड़ा सा ब्रिटिश की प्राइस यहाँ पे हमें करेक्शन देखने को मिल सकती है, ठीक है। तो ये हमेशा हैंडी टूल की तरह यूज़ करना आप, ओके। अब हम चलते सीधा ब्रिटिश की चार्ट एनालिसिस पे चलते हैं, और मैंने ये ओपन करके रखा है, ठीक है। अब ये वनडे का चार्ट है BTC का, और अगेन पुराना जो चार्ट था उसी की इन कंटिन्यूशन है विद लिटिल बिट चेंजेस। यहाँ पे एक राइजिंग पैरेलल चैनल है, प्राइस की मूवमेंट उसके नीचे अंदर घूम रही है। यहाँ पे एक ये ब्रेकआउट हुआ था, वापस अंदर आया, यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ था वापस से। अब जो प्राइस है अगर इस लेवल से ऊपर आता है 29,000 सपोज कीजिए, 30,000 से ऊपर आता है, डेट मीन्स चैनल के अंदर वापस से ये अपना मुकाम हासिल करेगा। मुकाम हासिल करेगा तो उसका नेक्स्ट टारगेट जो होगा, लिख कर रख लो, आराम से यहाँ तक जाएगा। ये जो सेंटर लाइन है जो मैंने यहाँ पे टच किया है लमसम, वी कुड एक्सपेक्ट 32,000-33,000 के आसपास अगर ये चैनल के अंदर आ जाता है तो। और उसके बाद से अगर ये नीचे नहीं आता है, ऊपर ही रहता है, तो आपको अपनी जो लॉन्ग है उसको बरकरार रखनी है फॉर ए टारगेट 35,000-36,000, ठीक है। ये बिल्कुल शॉर्ट टर्म के लिए मैं आपको कह रहा हूँ, अगर हमारी जो भी प्राइस एक्शन जो है इसके अंदर आ जाती है तो, ठीक है। ये जो है ना इफ एंड एल्स ट्रेडिंग में लेके चलो, अगर इफ एंड एल्स नहीं लोगे, ठीक है, सोचोगे कि इसको जाना है, भैया जाना है, क्यों जाना है, क्योंकि हम सोच रहे हैं, ठीक है। तो ये हम वाली जो रहती ना, उस चीज़ को साइड में रख दो, ईगो को साइड में रख दो, ठीक है। ट्रेडिंग के साथ कभी भी कहते हैं ना, वो मस्करी नहीं करनी चाहिए, ठीक है, सोच समझ के करना चाहिए। सो व्हाट यू हैव टू डू, ओपन द चार्ट्स, ओपन द डोमिनेंस चार्ट, एंड व्हाट यू हैव टू सी कि प्राइस एक्शन जो है राइट नाउ चल रही 29,321, अगर ये येलो चैनल के अंदर आता है, डेट मीन्स कि आपको इंतज़ार करना है 30,200 के आसपास, 30,200 के आसपास वो अंदर आता है, टिकता है नेक्स्ट कैंडल, ओके, आप 1 आवर या 4 आवर का कैंडल पकड़ सकते हैं, टिकता है, देन गो फॉर ए लॉन्ग फॉर ए क्विक टारगेट ऑफ 32-33 के आसपास, समझ गए। नहीं आता है अंदर, प्राइस अगर वापस से नीचे रिट्रेस होती है, हमारा टारगेट क्या होगा, मैं टारगेट तो नहीं दूंगा, मैं इसको एक सपोर्ट बोलूंगा आपको, ठीक है, मैं आपको शॉर्ट करने को नहीं बोलूंगा, वेट करना फॉर द सपोर्ट ऑफ नियर अबाउट 27,268, उसको अगर तोड़ता है देन गो फॉर ए शॉर्ट फॉर ए टारगेट ऑफ 23। इस हिसाब से आपकी ट्रेड सेटअप की प्लानिंग होनी चाहिए, समझ गए। ये तो मैंने आपको इस हिसाब से बता दिया, ओके। अब बात करते हैं कि थोड़ी बहुत यहाँ पे जो चिंताजनक बात मुझे लग रही है, जो मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में कहा था कि थोड़ी बहुत खटपट दिख रही है इसके अंदर, वो ये है कि अगेन गाड़ी ऊपर की तरफ तो चल रही है लेकिन गाड़ी में पेट्रोल नहीं है, मतलब कि यहाँ से जो है कैंडल्स ग्रीन ग्रीन बन रहे हैं, बट मुझे यहाँ से जो है ना तो वॉल्यूम बहुत कम हो गई है। आप देखो, इससे पहले जो पूरा जो साल था, पिछला साल था, जो हमारी वॉल्यूम जाती थी वो इस लेवल तक जाती थी, अभी वॉल्यूम जो है आधे से भी आधी हो गई है, मतलब 100% जो वॉल्यूम हमें मिलती थी BTC के अंदर वो घट के 25% हो गई है। तो ये जो चीज़ है ये थोड़ी सी मुझे चिंताजनक लग रही है कि भैया ऐसा क्यों हो रहा है, ठीक है। वॉल्यूम जो है मेन जो लोग हैं वो उसको खरीद नहीं रहे हैं, थोड़ी बहुत वॉल्यूम आ रही है, डेट मीन्स कि प्राइस को पुश किया जा रहा है कुछ लोगों के थ्रू, ठीक है। प्रॉफिट बुक करो बट बी केयरफुल, नो वन इज परफेक्ट इन दी एनालिसिस कि ऐसा होगा तो ऐसा हो जाएगा, नहीं, बताया जा रहा है आपको ऐसी ऐसी चीज़ें हैं तो ट्रेड लो, समझो और छोटे छोटे मुनाफा निकालने की कोशिश करो, ठीक है। तो ये था BTC का एनालिसिस। चलिए हम यहाँ पे बात करते हैं ऑल्टकॉइन की, और यहाँ पे से मैं पकड़ रहा हूँ शिबा इनू पकड़ रहा हूँ, वन ऑफ द फेवरेट कॉइन्स, मीम कॉइन्स, आप में से बहुत से लोग इसके अंदर ट्रेड करते हैं, और काफ़ी तगड़ा कॉइन है, और कॉइन मार्केट कैप की रैंकिंग के अंदर भी 10वें पायदान के अंदर ये आता है, ठीक है। तो टॉप 20, टॉप 50 के अंदर भी है, ठीक है, तो भी बहुत बड़ी बात होती है किसी भी ऑल्टकॉइन के लिए, ठीक है। तो इसके अंदर काफ़ी कुछ चीज़ें हो रही हैं, बहुत सारी चीज़ें आएंगी भी इसके अंदर, और अगेन प्राइस इसका काफ़ी नीचे है, होल्डिंग पावर है, पेशेंस है, तो इसको ज़रूर लेना। अब देखिए ये अपने इंपॉर्टेंट एक सपोर्ट लेवल के आसपास यहाँ बैठा हुआ है, ये देखो ये लेवल है, ये लेवल है, ये लेवल है, ये लेवल है, इस लेवल पर आता है थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होके प्राइस फटाक से ऊपर जाता है, थोड़ा बहुत होके ऊपर जाता है, ब्रेक करता है, ब्रेकआउट होता है तो भी ऊपर जाता है, बाउंस बैक होता है तो भी अच्छा खासा यहाँ तक जाता है, अगेन सेम लेवल पे है, आज नहीं कल नहीं परसों नहीं हफ्ते भर के अंदर कभी भी इसके अंदर से एक बार पंप आएगा तो आपको ये एटलीस्ट इस लेवल तक दिखा सकता है जो 16% के आसपास होगा, उसके ऊपर ये 30% के आसपास, और मैक्सिमम टारगेट जो मैं पकड़ रहा हूँ फॉर ए शॉर्ट टर्म
50% के आसपास हम शिबा इनू के अंदर देख सकते हैं। एंड वी नेवर नो, इलॉन मस्क भी कभी कुछ छाप दे, ठीक है, डॉज कॉइन के साथ शिबा को छाप देता है, कभी फ्लॉकी को छाप देता है। फ्लॉकी को देखो, इतने हफ्तों से एकदम शांत था, ठीक है, कोई इसके बारे में चर्चा नहीं कर रहा था, लेकिन मैं आपको हमेशा से रिकमेंड करता था डॉज, शिबा इनू, फ्लॉकी, ये सब लेते जाओ, ओके। और फ्लॉकी ने झटका जो दिया, ज़बरदस्त दिया, बाइनेंस यूएस के ऊपर जब लिस्ट हुआ, अच्छी खासी रैली उसने पकड़ी, बहुत अच्छा खासा मुनाफा लोगों को हुआ, ओके। तो शिबा इनू के ऊपर नज़र रखो और इसके अंदर हम प्रॉफिट की उम्मीद कर सकते हैं, ठीक है। तो दोस्तों, ये था क्विक अपडेट ऑन बीटीसी, बीटीसी अंदर क्या करना चाहिए, ट्रेड सेटअप क्या होना चाहिए, किस हिसाब से ट्रेड करना चाहिए, लेवल्स क्या है, डोमिनेंस क्या है, वॉल्यूम हमें क्या बता रहा है, वो सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी है ताकि आप अपने ट्रेड बेहतर कर सको। और साथ ही हमने शिबा इनू को यहाँ पर कवर अप किया है। इसके बाद वापस एक टाइम मिला तो एक बीटीसी का एनालिसिस वो आप लोगों के साथ मैं शेयर करूँगा, और मूविंग एवरेजेस की एक स्ट्रैटेजी है, ओके, थोड़ा सा वो भी आप लोगों के साथ मैं शेयर करूँगा, ठीक है। तो वीडियो पसंद आती है तो लाइक ज़रूर ठोक देना, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना। जल्द मिलेंगे, तब तक के लिए टेक केयर एंड हैव अ ग्रेट डे।